तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 स्ट्रेट लाइंस जेई मेंस आपकी स्क्रीन पे गिवन है। सबसे पहले देखिए इसमें क्या गिवन है। इसमें गिवन है इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट टू फ्रॉम द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो बच्चों ध्यान से देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उसको दो बार पढ़िए और यहां पर ये बात क्लियर करिए कि यहां पर लिखा है कि इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट टू यूनिट फ्रॉम द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ वाई। तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ वाई क्या है? यही तो है, ध्यान से देखिए। तो यानी कि अगर हम इस पॉइंट को लिख दें तो ये पॉइंट क्या हो सकता है? 0, -2 हो सकता है और इंक्लाइन एट 30 डिग्री टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो अगर हम इस लाइन को कुछ ऐसा बना लें और उसका एंगल दिखा दें, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंगल, ये सारी बातें यहां पर हमको इस तरह से समझ में आने लगती है। तो ओवरऑल हमें क्या पता है, यानी कि हमें पता है उस लाइन का स्लोप विच इज इक्वल टू 10 थीटा, 10/30 इज 1/√3। और लाइन की इक्वेशन अगर हम लिखना चाहें तो y-y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x-x1। इसका मतलब बच्चों अब आपके पास इक्वेशन बन रही है √3y+2 इज इक्वल टू x, ठीक है। ध्यान से देखिए, मैं इस बात को आपको दोबारा समझा रहा हूं, रूट थ्री को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या बन जाएगा, √3y+2√3 इज इक्वल टू x। यानी बच्चों आपका आंसर आया x-√3y-2√3 इज इक्वल टू 0। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? और अगर समझ में आ गया तो इसका आंसर बच्चों या तो सी पार्ट होगा या तो डी पार्ट होगा। अब आप उसको अपने हिसाब से चेक करिए, और आंसर अगर नहीं मैच होता है तो आप एक काम कर लीजिए, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये बन जाएगा -x+√3y+2√3=0। अब चेक करिए आपका कोई आंसर मैच जरूर कर रहा होगा, क्योंकि √3y+2√3 यानी आपका आंसर जो है डी पार्ट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी पार्ट। थैंक यू।